थानागाजी के निकट ग्राम पंचायत गढ़बसई में बस्सी और गोवड़ी में गांव में सरपंच पद प्रत्याशी उम्मीदवार रामावतार यादव ठेकेदार द्वारा घर घर जाकर लोगों को मास्क बांटे और आम जनता को विश्वास दिलाए कि हर समस्या का निदान करेंगे और जनता के वादों को पूरा करने की घोषणा की है। और वहां के आसपास के लोगों ने बताया कि हम आपको पूर्ण बहुमत के साथ वोट डालने का समर्थन करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने अवगत करवाया जब आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। यहाँ अनेक लोग मौजूद रहे जिसमें कालूराम, रामचंद्र, राहुल, अंकुर, केशव, मोसाराम, ओम प्रकाश, सुरेश, बाबूलाल, लालाराम, गिरिराज, ताराचंद शंकर, किशनलाल, सुरघान, भरता राम, हनुमान, गिरधारी, बहरू सिंह, नरसी आदि लोगों ने मिलकर उनका साथ और समर्थन दिया। विधानसभा क्षेत्र थानागाजी, रिपोर्टर विजेंद्र यादव, ग्राम पंचायत गढ़बस्सी में प्रिय बड़े भाई रामोतार यादव जी के द्वारा आम जन में जनसंपर्क के दौरान मास्क वितरण करते हुए सरपंच पद प्रत्याशी ग्राम पंचायत गढ़बस्सी में रामोतार यादव। तो भाई साहब, आपका जनता को लेकर क्या दृष्टिकोण है? जनता को लेकर कि जनता के में जो वादे करूं उनको पूरा कर पाऊं, और जो जहाँ यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी और मतलब रोजगार, इनको मैं पूरा कर पाऊँ। विकास के लिए पानी है, रोड, सड़क, इनको पूरा सब में भाईचारा रहे और ग्राम पंचायत में मतलब विकास के काम हों, इनको मैं जो अभी वादे कर रहा हूँ ना, इससे पहले वोट मांगने से पहले उनको मैं पूरा करूँ, ये है। तो सरपंच साहब, आपका मतलब जनता के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? मैं जनता पे जो अभी जो कर रहा हूँ वादे जो मैंने किए हैं उनको मैं पूरा करूँगा सरपंच बनने के बाद में। और जो मैं अभी से 5 साल से कंटिन्यू जनता की जो भी मैंने बताई, जनता ने जो भी समस्याएं बताई उनको मैंने पूरा किया है, और जो रह गई है उनको बनने के बाद मैं इनको पूरा करूँगा। तो आप जनता को क्या कहना चाहते हो? जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे वादे करूँगा उनको मैं 100% पूरा करने की कोशिश करूँगा। जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और चिकित्सा, रोड और परिवहन के साधन, उनके सबके लिए पीने के लिए पानी, स्वच्छ